हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में CFR पेपर नंबर 17 है, उसके रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा आपको जो मैंने अपने टाइम फॉलो किया था। एक्चुअली मैंने बोथ ग्रुप दिया था दिसंबर 17 में, एंड जब मैंने बोथ ग्रुप दिया था तो कहीं ना कहीं मुझे एनालिसिस हुआ कि मैं सारे चैप्टर्स नहीं कर सकता, हर एक सब्जेक्ट को मैं 100% कोर्स कवरेज नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट है जो मुझे छोड़ने पड़ेंगे, मैं चाह के भी उसको नहीं कर सकता, बिकॉज सिलेबस का वॉल्यूम आप सबको मालूम है बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने क्या छोड़ा CFR में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, एंड हम डिस्कस करते हैं इस स्टडी नोट में। ये आप देख सकते हो, ये आपका CFR का स्टडी नोट है, एंड यहाँ पे हमें टोटल जो स्टडी नोट है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टडी नोट 7, 8 स्टडी नोट है आपके पास। तो जो मेरे टाइम था, जो मैंने किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पेपर मेरे टाइम में 120 से 130 मार्क्स का आता था, आपके टाइम से उतने मार्क्स का आता है, ठीक है। ऑप्शंस होता था जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने होते थे, 6 या 7 क्वेश्चंस आते थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हमें कंपल्सरी अटेम्प्ट करने होते थे। तो मैंने जो अपने टाइम में स्ट्रेटेजी फॉलो किया, मैंने स्टडी नोट 1 कंप्लीट किया 100%, उसमें सारे AS थे मेरे टाइम। आपके टाइम में AS भी पढ़ने हैं और आपको INDIAS भी पढ़ने हैं, तो आपको दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे। जो भी दे रखा है, जितना दे रखा है आपको उतना कवर करना पड़ेगा। सेकंड आता है हमारा अमलगेमेशन का स्टडी नोट, अमलगेमेशन, एंड थर्ड आता है कॉन्सोलिडेशन। तो यहाँ पे क्या था कि कॉन्सोलिडेशन और अमलगेमेशन दोनों चैप्टर अपने आप में एक बहुत वाइड चैप्टर है, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए मैंने जो अपने टाइम किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें से एक चैप्टर को स्किप किया, बिकॉज मैं जिस टीचर से मैं क्लासेस ले रहा था, वहाँ पे कॉन्सोलिडेशन का 30 लेक्चर्स थे, अप्रोक्स 30 लेक्चर्स के आसपास थे कॉन्सोलिडेशन। अगर मैं उसे करने जाता तो शायद मेरे बाकी स्टडी नोट रह जाते, इसलिए मैंने इस चैप्टर को टोटली स्किप कर दिया था। एंड बाकी मैंने अमलगेमेशन को 100% कम्प्लीट किया, मैंने आपको बताया स्टडी नोट 1 को मैंने 100% कम्प्लीट किया। एंड इसके अलावा जो बाकी हमारे स्टडी नोट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टडी नोट 4 को भी मैंने किया था। स्टडी नोट 4 में ये जैसे अभी फेयर वैल्यू मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नया है, पहले कॉन्सेप्ट नहीं था फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, ठीक है, बिकॉज INDIAS पहले एप्लीकेबल नहीं था। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये भी किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंटिंग, ये भी मेरे टाइम था बट मैंने इसको नहीं किया था अपने टाइम में, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल और NBFC, ये 3 टॉपिक मैंने किया था कम्प्लीटली, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, NBFC से आ जाए या फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल से, अगर एक क्वेश्चन भी आया तो 10 से 15 मार्क्स का जाता है। बट आप अगर कॉन्सोलिडेशन छोड़ रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको सजेशन करूँगा कि चारों करना, बिकॉज अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन आया तो 10 से 15 मार्क्स का आएगा। मेरा लक अच्छा था, इसलिए वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वैल्यूएशन ऑफ शेयर से मेरे पास क्वेश्चन आया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, तो मेरा लक अच्छा था, इसलिए मेरे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन नहीं आया। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आता तो मेरा लक थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता, हो सकता था जो मैंने रिस्क लिया था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्टडी नोट भी कम्प्लीट करो। शेयर बेस्ड पेमेंट से भी क्वेश्चन आता है 8 to 10 मार्क्स का, तो डेफिनेटली आपको इसको भी आपको 100% कम्प्लीट करना चाहिए। ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप आराम से कर सकते हो। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ये सारा कुछ आप करके जाओ। आप एक स्टडी नोट अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, अमलगेमेशन और होल्डिंग सब्सिडी या कॉन्सोलिडेशन, जो भी आप बोल लो, उसमें से आप किसी एक को आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज आप सब कुछ करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ करना चाहिए। हाँ, बट आप सबको मालूम है बोथ ग्रुप का बर्डन होते हुए आप किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको CFR आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें टॉप पे जा सकते हो, आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ करना चाहिए था। मुझे ऐसा फील था कि मेरा अकाउंट स्ट्रांग है, तो अगर मैं उस पर कम टाइम में दूँ तो भी मेरा चल जाएगा, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स लेके आ जाऊँ और दूसरे सब्जेक्ट में अगर मैं 40 भी ना ला पाऊँ तो मेरा 80 लाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट अटैम्प में मेरे लिए 50 मार्क्स ही काउंट होगा। आप समझ सकते हो मेरी बातों को। तो इसी वजह से मेरा टारगेट कभी भी 80 लाने का किसी भी सब्जेक्ट में नहीं था, मेरा हमेशा यही टारगेट था मेरा 50 to 60 के बीच में आ जाए। एंड यही टारगेट के साथ मैंने CFR भी किया और मेरा 56 मार्क्स भी है फर्स्ट अटैम्प्ट में,
एंड मैंने जबकि अमलगमेशन छोड़ सॉरी होल्डिंग सब्सिडी मैंने छोड़ के गया था, अमलगमेशन मैंने कंप्लीट किया था, और एग्जाम में अमलगमेशन का भी क्वेश्चन आया था। अमलगमेशन का क्वेश्चन था 15 या 16 मार्क्स का, एंड होल्डिंग सब्सिडी का जो क्वेश्चन आया था एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड इसके अलावा भी दो दो मार्क्स के दो तीन क्वेश्चन थे, तो करीब 22 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था होल्डिंग सब्सिडी का। बट फिर भी मेरे पास 80 to 85 मार्क्स के क्वेश्चन थे जिसको मैं अटेम्प्ट कर सकता था, और मैंने अटेम्प्ट किया एंड मेरे 56 आए। होप सो मेरे कुछ सजेशन आपको हेल्प करे, एंड इसके अकॉर्डिंग आप खुद के लिए डिसाइड कर सको। ऐसा मैं नहीं करा कि जो मैंने किया आप वही करो, बट आपको एक आइडिया लगा होगा कि आप बोथ रूप कर रहे हो तो आप किस तरीके से आप एक प्लान कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करे। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।